पांच मिथ रिगार्डिंग द DNS सर्जरी। नंबर वन, रिगार्डिंग सर्जरी जो है उसमें पेन नहीं होता। नंबर दो, ये जो सर्जरी है उसमें बाहर से चीरा नहीं लगता। नंबर थ्री, ये जो सर्जरी है इसके अंदर जो नेजल ब्लॉकेज होता है वो उसको वापस लाइफ में दोबारा नहीं होती है। नंबर फोर दोस्तों, ये जो है नोज की शेप में कोई चेंजेज नहीं होता। एंड नंबर फाइव दोस्तों, ये जो है पीडियाट्रिक जो है 8-9 साल पे भी सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। फाइव मिथ अबाउट द DNS सर्जरी। हाँ दोस्तों, क्या वो है मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग द DNS सर्जरी। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, पांच मिथ रिगार्डिंग द DNS सर्जरी बात करते हैं जो लोगों के दिमाग में होता है, जिसके कारण हम जो है DNS की सर्जरी नहीं कराते और उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते। नंबर वन, DNS का जो सर्जरी है उसमें लोगों को है कि पेनफुल, इट्स ए वेरी पेनफुल। दोस्तों ऐसा नहीं है। DNS की जो सर्जरी होती है वो टोटली अंडर एनेस्थीसिया उसमें किया जाता है। आपको, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सर्जरी, आपको सर्जरी के दौरान पेन नहीं होता। एंड अगर आप सर्जरी भी करा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बोल दीजिए मेरे को फुल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी करानी है, नंबर वन। सो ये इज नॉट पेनफुल। नंबर टू दोस्तों, DNS की सर्जरी के बाद के अंदर कोई नाक पे चीरा नहीं लगता। यानी लोगों को ये मिथ है कि मेरे नाक पे चीरा आ जाएगा, बाहर से निशान आ जाएगा। नहीं दोस्तों, बाहर से कोई चीरा या निशान नहीं होता। नोज के अंदर जो है एक, आप लेजर बोलो या अंदर से जो है एक, जो एक इंसिजन लगाया जाता है जो बाहर विजिबल नहीं होता। एंड हार्डली 7 डेज बाद हमें विजिबल नहीं होता, हमें पता भी नहीं लगता कहाँ से किया। सो सेकेंड नंबर का जो मिथ है, बाहर से कोई चीरा नहीं लगता। थर्ड दोस्तों, DNS की सर्जरी के बाद नाक की शेप चेंज हो जाती है। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। DNS की सर्जरी के बाद के अंदर यूजुअली नोज की शेप चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो DNS की जो सर्जरी है वो फंक्शनल करेक्शन के लिए की जाती है, शेप चेंज के लिए राइनोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। बट यस दोस्तों, अगर DNS की जो टेक्निक है सर्जरी की, अगर वो प्रॉपर नहीं है, आपका डॉक्टर जो है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उस सर्जरी का, तो ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इफ इज देयर राइट सर्जरी, तो आपके नाक के ऊपर शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, DNS के ऑपरेशन के बाद क्या वापस ऑपरेशन कराना पड़ेगा? दोस्तों एक बार DNS की सर्जरी अगर एडिक्वेट सही तरीके से है तो पूरी लाइफ के अंदर दोबारा DNS की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ सर्जरी की ज़रूरत है। तो मिथ नंबर फोर कि आपको वापस DNS हो सकता है, ऐसा नहीं है। फिफ्थ मिथ दोस्तों, उम्र, सब लोगों को यह है कि DNS की सर्जरी 20 साल या 17 साल के बाद ही हो सकती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको 8 साल पे भी नेजल ब्लॉकेज है, जो हमारा DNS है उसकी विकृति के कारण हमारा नोज ब्लॉक है, तो उसको 8 साल पे भी हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं, पीडियाट्रिक सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं, जिससे हमारा जो फंक्शनल जो करेक्शन है नोज का वो होता है एंड उससे हमें बराबर ब्रीदिंग होता है। सो दोस्तों ये पांच मिथ जो है वो आप याद रखो। नंबर वन, रिगार्डिंग सर्जरी जो है उसमें पेन नहीं होता। नंबर दो, ये जो सर्जरी है उसमें बाहर से चीरा नहीं लगता। नंबर थ्री, ये जो सर्जरी है इसके अंदर जो नेजल ब्लॉकेज होता है वो उसको वापस लाइफ में दोबारा नहीं होती है। नंबर फोर दोस्तों, ये जो है नोज की शेप में कोई चेंजेज नहीं होता। एंड नंबर फाइव दोस्तों, ये जो है पीडियाट्रिक जो है 8-9 साल पे भी सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। सो ये जो पांच मिथ हैं आज ही हमारे दिमाग से निकाल दीजिए। एंड अगर आपको DNS की प्रॉब्लम है तो दोस्तों हमें उसका जो है उचित ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे कल को हमारे बच्चे को आर्मी, एयरफोर्स या कहीं भी अगर हम जाते हैं तो उसमें डिसक्वालीफाई नहीं हो, हमारे को रेफर पॉइंट नहीं मिले। सो इट्स ए वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, यू कैन शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द मिथ ऑफ DNS। दोस्तों जाते जाते जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के YouTube चैनल को एंड दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक